नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। धान खरीद घोटाले पर सदन में हंगामा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और अभय चौटाला इस मसले को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। अभय चौटाला ने पूछा, क्या सरकार धान खरीद घोटाले की जांच कराएगी? सवाल पूछे गए हैं सरकार से। यहां पर अभय चौटाला के सवाल पर सीएम खट्टर ने जवाब भी दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को कामयाब करना हमारा लक्ष्य है, ये बात उनकी तरफ से की गई। मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीएम ने बयान दिया। धान की खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष की ओर से इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। पूर्व सीएम हुड्डा पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। घोटाले में सरकारी संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि धान खरीद घोटाले पर सदन में हंगामा हुआ है, सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई है और इस दौरान कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और अभय चौटाला आमने सामने आ चुके हैं। अभय चौटाला ने सरकार से सवाल पूछा है, क्या जो धान खरीद घोटाला हुआ है उसकी जांच करवाई जाएगी? अब ऐसे में अभय चौटाला के सवाल पर सीएम खट्टर ने जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और उसी को अपनाया जाएगा। मंत्री हो या फिर कोई भी अधिकारी, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं। विपक्ष की ओर से इस मामले में राज्यपाल को पहले ही ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की बात पहले ही कर चुके हैं कि धान घोटाले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप इसमें लगाए गए थे विपक्ष के जरिए से। तो विधानसभा की कार्यवाही जारी है। आपको बता दें कि धान खरीद घोटाले पर इस समय हंगामा हुआ, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर सदन पटल पर हंगामा देखने को मिला और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि धान खरीद जो घोटाला है उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा और ये कहा, सवाल पूछे गए कि क्या कार्रवाई और क्या जांच कराई जाएगी इस पूरे जो घोटाले हैं इसको लेकर। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि मंत्री हो या फिर अधिकारी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे की मुखिया की तरफ से ये जवाब दिया गया है। धान खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और इस सदन में भी उसने यही मुद्दा उठाया। इससे पहले आपको बता दें कि राज्यपाल को ज्ञापन इसी मसले को लेकर दिया जा चुका है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो विधानसभा की कार्यवाही में कई मुद्दे उठाए गए और अब मुद्दा उठाया गया है धान खरीद में करोड़ों की गड़बड़ी को लेकर। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने की बात की जा रही थी और एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया है। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। वीर कुमार यादव जी, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है और अब कहा जा रहा है जो धान घोटाला हुआ है क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी? देखिए, फ्लोर ऑफ दी हाउस आज सीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जो भी घोटाले या जो घपले हैं कि जो आरोप है पूरी तरह निराधार है, फिर भी सरकार उसकी जांच कराएगी और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात मिलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन केवल आरोप के लिए आरोप लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सत्र में सारी बातें स्पष्ट हुई है और उस पर आगे भी जो बातें हैं वो बाकायदा चर्चा होगी। आज माननीय स्पीकर ने भी कहा कि भैया प्रश्नोत्तर काल के बाद इस पर चर्चा करिए, तो चर्चा होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली कहाँ बात है। वीर कुमार यादव जी, लेकिन अब विपक्ष को तो ये मुद्दा मिला था और कोशिशें लगातार की गई हैं इसको कि खुद सदन पर सरकार को घेरा जाए। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जांच करवाई जाएगी, लेकिन अब ऐसे में जांच की बात नहीं की गई, सिर्फ ये आश्वासन दिया गया है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद आपको बता दूं कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और अभय चौटाला इसी मसले को लेकर आमने सामने भी आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रतिपक्ष का काम है कि जहां उनको लगे कि यहां सरकार की कमी है उसको उजागर करें, ये लोकतंत्र का एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन केवल निराधार आरोप लगाना और हर बात के लिए जांच कमीशन बैठाए, जांच आयोग बैठाए,
ये भी उचित नहीं है। अब प्राइमा फेस या प्रथम दृष्टया अगर लगता है कि यहाँ घोटाला हुआ है, यहाँ कोई घपला हुआ है, तो निश्चित तौर पर जांच होगी। तो ये विभागीय जांच का वहाँ बात की गई है, बाकायदा उसके अंदर कोई बात आती है तो दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय मंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह सदर को आश्वस्त किया है। जी चलिए आप बने रहिए वीर कुमार यादव जी हमारे साथ, कैप्टन अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव जी, धान घोटाले को लेकर अब सरकार ये कह रही है कि जांच करवाई जाएगी, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। खुद जो है इस मुद्दे को सदन पटल पर उठाया गया है। अभी ऐसा है कि भाग्य तो आपको पता है किस प्रकार की लिपापोती होगी उसमें। इसमें बेटर ये रहता कि कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज हो, उसकी एक या कमेटी बना, उसको जो है हेड करके उसका करें, क्योंकि बहुत छोटा मोटा घोटाला तो है नहीं ये। और इस मामले को जो विपक्ष सारा एकजुट है इस मामले में, तो इस मामले की अगर निष्पक्ष जांच करवानी है जी। तो इनको करवानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये वो बेहतर रहेगा। ये अगर लिपापोती करना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है जी। तो लिपापोती करने में लगे हुए हैं लगातार। वीर कुमार यादव जी ये आरोप लगाया है कि इसको लेकर लगातार लिपापोती की जा रही है, और अच्छा बेहतर ही रहता कि किसी जज से इसको पूरे मामले के लेकर गहनता से जांच की जाती। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करते हैं उस बड़ी खबर का। वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम के बीच जुबानी तकरार देखने को मिला है। आपको बता दें कि धान घोटाले पर ही पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, और ये आरोप लगाया उन्होंने कि धान घोटाला एक बड़ा घोटाला है। सीएम धान के दामों पर सदन में सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। धान घोटाले पर पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, और इस दौरान जुबानी तकरार भी दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीर कुमार यादव जी, इससे पहले भी मैं इसी मुद्दे पर आपसे जिक्र कर रही थी, और अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि बड़ा मसला है, सरकार क्यों नहीं इसकी जांच करा रही है। देखिए, सरकार ने मना नहीं किया है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार इसमें प्रथम दृष्टिया वास्तव में कोई घोटाला, कोई घपला, कोई भ्रष्टाचार है या नहीं, ये तो पता करें। खाली आप आरोप के लिए आरोप दें, या तो आप तथ्य दीजिए, आप सबूत पेश करिए। कहीं ना कहीं हर बात के लिए आप बड़े आयोग बैठाइए, आप रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराइए, आप प्रथम दृष्टिया कोई इस प्रकार के सबूत दीजिए, तथ्य दीजिए। सरकार ने मना नहीं किया, उन्होंने इस मांग को ठुकराया नहीं। उन्होंने कहा कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टिया अगर जांच में मिला कुछ हमें तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी, और इस पर जांच आयोग भी बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उठाएंगे। लेकिन पहले प्रथम दृष्टिया सामने तो आए। जी जी जी, अजय सिंह यादव जी आपका आवाज मिल रही है। हाँ, मुझे मिल रही है। जी जी, बात आपसे कह रहा था, जो अधिकारी स्वयं इसमें सम्मिलित हों विभाग के, उनको ही जो है एक तरीके से जो है, अगर जो है बाहरी अगर फसल को खाएगी, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप लगाएंगे। अजय यादव जी, ये कहा जा रहा है कि आपके पास तथ्य हैं, जो आप बातें कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में तो डिटेल में तो सबको मालूम है, इसमें जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, इसमें कई जो विभाग के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं जी। और अगर विभागीय अगर ये कराते हैं तो विभाग ने तो केवल उनको क्लीन चिट देना है, इनको क्या दिक्कत है। और ये कह रहे हैं कि हर एक बात पे कौन कह रहा है, हम तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसको विपक्ष के नेता हैं वो भी कह रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रही है, सीएम लीडर हमारी किरण चौधरी भी ये कह चुकी है, तो उसमें इनको क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है। एक आदमी कोई भी रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज उसको लगाए और इसकी जो है बात करवाए, और इसमें सरकार क्यों पीछे हट रही है इस बात से। वीर कुमार यादव जी, सरकार क्यों पीछे हट रही है, हालांकि आपने ये जरूर कहा कि ठीक है जांच कराई जाएगी, लेकिन फिर ऐसी बात बार बार क्यों कही जा रही है। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस में भी, न्यायिक प्रक्रिया में भी, जब तक प्रथम दृष्टया कोई आरोप नजर नहीं आते, यानी कि रिट पिटीशन भी एडमिट नहीं होती, जांच आयोग तभी तो बैठाएंगे ना जी। प्रथम दृष्टया कुछ लगेगा कि, और ये कह रहा है कि जिन्होंने घपला है, जिन पर आरोप है, उन्हीं से जांच हो रही है, ऐसा नहीं है। उस विभाग के उच्च अधिकारी
यानी कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि विभाग की जांच ठीक नहीं हुई है, आप बताइए, तो एक बार प्रथम दृष्टया कुछ सबूत, कुछ तथ्य, कुछ जांच सामने आने दीजिए, और अगर आवश्यक होगी निश्चित तौर पर जांच होगी, दबाया नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका, नहीं जाएगा। अजय सिंह यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो धान घोटाले पर बड़ा घोटाला ये बात सामने आई है, और इसको खुद पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि इसकी जांच की जाए और सही तरीके से कार्रवाई भी की जाए। इसी पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी। तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-05 पर आज ही कॉल करें और पाए ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था, तकरीबन एक महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण है, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार कौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंची नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, कौन लाइन पे जुड़ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी। तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-05 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं विधानसभा सत्र की। जी हाँ, कई ऐसे मुद्दे इस दौरान रहे जहां पर काफी हंगामा उन मुद्दों को लेकर देखने को मिला। इस दौरान अनिल विज और फतेहाबाद में जो एसपी के साथ मुद्दा हुआ था, उसको लेकर लगातार गहमा गहमी भी देखने को मिली, और उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा भी काटता रहा। आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से हो हंगामा भी देखने को लगा। अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार कैसे मुद्दा गर्माया और इसका जवाब सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया गया। दरअसल अनिल विज के समर्थन में सरकार उतरी इस पूरे मसले को लेकर, और विज ने सदन में अपना पक्ष भी रखा।
एसपी ने एनजीओ को धमकाया, कहा क्यों शिकायत की, अपना पक्ष अनिल विज ने रखा, जिससे एसपी का जिले के एसपी कैसे धमका सकते हैं, ये बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा नशे के कारोबार पर रोक लगाना जरूरी, अनिल विज ने वीडियो को दोबारा देखने की बात भी इस दौरान कही। अनिल विज ने सदन में वीडियो दिखाने की इजाजत तक मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार कोई कैसे यूं कर सकता है। तो एसपी विवाद पर गीता बुग्गल और अनिल विज के बीच नोकझोंक देखने को मिली। करण दलाल ने भी इस दौरान अनिल विज पर चुटकी ली इसी मसले को लेकर, जो मीटिंग से भाग गया वो यहाँ क्या जवाब देगा। अनिल विज ने कहा कि मैं झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए मीटिंग से मैं चला गया। करण दलाल और विज के बीच जुबानी जंग इस दौरान देखने को मिला। मंत्री ने गलत कहा या सही इस पर नहीं जाऊंगा, मंत्री की शालीनता थी, वो उठकर चल दिए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। गीता बुग्गल ने सरकार पर निशाना साधा इस दौरान और ये कहा कि बेटी बचाओ के लिए अभियान चलाते हैं लेकिन ऐसे काम करते हैं। इस पे विवाद को जातिगत चर्चा या महिला से ना जोड़कर देखा जाए। सदन में अभय चौटाला और कुलदीप शर्मा के बीच में भी काफी बहसबाजी देखने को मिली। कुलदीप शर्मा ने अभय चौटाला पर विवादित टिप्पणी दी। भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये बात कुलदीप शर्मा ने कही। सदन में दोनों नेताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। अभय चौटाला ने सदन में सुरक्षा गार्डों को भी बुला लिया था इस दौरान और इनेलो और कांग्रेस विधायक आपस में उलझे। तो क्या कुछ हुआ सत्र के दौरान उसकी जानकारी हमने आपको दी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सदन में, सीएम का हुड्डा पर निशाना, और वो ये है कि पिछले मामले सभी मामले एक साथ मत खुलवाओ, एक एक करके खोलूंगा सभी मामले, सीएम की तरफ से ये कहा गया है। और इस पर हुड्डा ने पलटवार भी कर दिया है। हुड्डा ने कहा मेरे खिलाफ सभी मामले सरकार जरूर खुलवाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बयान दिया गया है। हाईकोर्ट के जज से धान घोटाले की जांच भी कराई जाए। हुड्डा ने कहा मेरे खिलाफ सभी मामले खुलवाए सरकार। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सदन में सीएम का हुड्डा पर निशाना सामने आया है। पिछले मामले में एक साथ इन सबको मत खुलवाओ ये बात कही और ये भी कहा कि एक एक करके खोलूंगा सभी मामले, सीएम की तरफ से आया। मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ नवजोत सिद्धू जुड़ चुके हैं। नवजोत, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि हुड्डा के ऊपर कई आरोप लगाए हैं और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि सरकार जरूर सभी मामले को खुलवाए। कनेक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर जो बहस चल रही है वो सदन में बहस चल रही है धान घोटाले लेकर, और इसलिए जो बातें हो रही थी मुख्यमंत्री जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं वो क्योंकि बार बार ये मांग उठ रही है कि इस घोटाले पर एक जांच कमेटी बिठाई जाए। लगातार पिछले दो घंटों से इस मुद्दे पर कॉल अटेंशन में बहस हो रही है धान वाले मसले पर, और इनेलो और कांग्रेस लगातार ये मांग कर रहे हैं और भी जो घोटाले हुए हैं उनकी बातें हो रही हैं। तो मुख्यमंत्री ने उसी संदर्भ में ये कहा कि एक साथ मेरे से सारे पिछले मसले ना खुलवाइए, मैं एक एक करके खोलूंगा। तो उसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जितने मामले खोलने हैं आप खोलिए, और एक नहीं सभी के मामले खोलिए, यानी इनेलो के बाकियों के सभी के मामले खोलिए। बहरहाल अभी ये मुद्दा उठ रहा है, फिलहाल अभी जो बात है अहम वो ये है कि अभी भी जो सदन की कार्रवाई है वो बढ़ाई गई, क्योंकि जो धान का घोटाले का मसला है उस पर चर्चा चल रही है, उस पर बहस हो रही है। कुछ देर पहले हंगामा भी हुआ। रामविलास शर्मा ने खड़े होकर कहा कि ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस इनेलो एक साथ एक होकर इस मसले पर अपनी आवाज उठा रहे, ये रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री ने कहा। दूसरी तरफ अभी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पूरी मामले पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो ये मांग कर रहे हैं कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आप इसकी इंक्वायरी कराइए। वहीं पर ये मांग भी उठी है इनेलो और कुछ और लोगों की तरफ से कि जो हाउस के मेंबर्स की एक कमेटी है वो स्पीकर की अध्यक्षता में बना दी जाए और वो इसकी पूरी जांच करके जो है कुछ दिनों में सौंपे। वहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये सुझाव दिया कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है मिलर्स की वो हम अगले 15 दिन में करवा देते हैं और उससे पता चल जाएगा कि कहां से खरीद हुई है धान की और नहीं हुई है, पेपर्स में कहीं कोई गड़बड़ी है तो फिर हम उसका जो है उसको दंडित किया जाएगा। इसी पूरे मसले पर अभी भी एक डेडलॉक बना हुआ है, सहमति नहीं बनी है।
लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इस मसले पर एकजुट होकर ये लगातार दबाव बना रहा है सरकार पर कि आप अभी जो है वो इंक्वायरी मार्क कीजिए और इंक्वायरी मार्क होनी चाहिए, आप घोटाले की जांच से भाग क्यों रहे हैं। तो लगातार ये जो एक दबाव है वो अभी बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो दबाव लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जांच भी करवाई जाएगी। क्या कुछ और कहा गया उनकी तरफ से इस दौरान? चलिए, बेहद शुक्रिया आपका नवजोत सिद्धू तमाम जानकारी देने के लिए। तो ताजा अपडेट हमने आपको बताया कि हुड्डा ने मेरे खिलाफ सभी मामले खुलवाए सरकार, ये बात कही। हाईकोर्ट के जज से धान घोटाले की जांच कराई जाए, इस बात का जिक्र किया। और विपक्ष ने सदन के सदस्यों की कमेटी गठित करने की मांग भी सदन पटल पर उठाई है। इसके अलावा स्पीकर की अध्यक्षता गठित कमेटी करे और घोटाले की जांच करवाए, इस पूरे धान घोटाले की। तो सदन में सीएम का हुड्डा पर निशाना, उन्होंने कहा कि पिछले मामले एक साथ मत खुलवाइए, सबको एक एक करके खुलवाया जाएगा। इसके अलावा जो धान घोटाला है उसको जांच के बाद की गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक जज के साथ इसकी जांच करवाई जाए और सारे जो पलटवार हुए हैं उस पर भी खुद पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि आप सभी मामलों को खुलवाइए और हाईकोर्ट के जज से धान घोटाले की जांच कराने की बात भी की गई है। ये मांग उठाई गई है विपक्ष के जरिए। विपक्ष ने सदन के सदस्यों की कमेटी गठित करने की मांग भी उठाई है और इसके अलावा स्पीकर की अध्यक्षता गठित कमेटी करे और उसके बाद इस पूरे धान घोटाले की जांच की जाए। तो सदन में मुख्यमंत्री का हुड्डा पर निशाना, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी भी सदन की कार्रवाई जारी है और इस दौरान जो मुद्दा उठ रहा है वो दरअसल धान घोटाले के मसले को लेकर उठ रहा है। सीएम ने कहा कि एक एक करके सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे, खुलवाएंगे। और इस दौरान हुड्डा ने सीएम पर पलटवार भी किया और उन्होंने कहा कि धान घोटाले की जांच करवाई जाए और खुद जो जज हैं उनसे ये जांच करवाई जाए, हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए धान घोटाले मामले के लेकर। दरअसल अब सदन पर जो मुद्दा उठा है वो धान घोटाले का ही उठा है। वैसे में विपक्ष ने सदन के सदस्यों की कमेटी गठित करने की मांग तक की है। इतना ही नहीं, स्पीकर की अध्यक्षता में कहा है कि कमेटी गठित करे और उसके बाद इस घोटाले की जांच करे। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दरअसल अब जो सदन में मुद्दा उठ रहा है वो धान घोटाले का उठ रहा है और इसी को लेकर अंदर चर्चा भी की जा रही है, जहां पर तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, कहां पर बहस हुई। कुलदीप शर्मा ने अभय चौटाला पर विवादित टिप्पणी दी जिसके बाद काफी गहमा गहमी हुई। दरअसल उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सदन में नौबत यहां तक आ गई थी, दोनों नेताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। अभय चौटाला ने सदन में सुरक्षा गार्डों को बुला लिया था। इतना ही नहीं, इनेलो और कांग्रेस विधायक आपस में उलझते हुए इस दौरान नजर भी आए। सदन में अभय चौटाला और कुलदीप शर्मा के बीच काफी बहस हुई, काफी गहमा गहमी देखने को मिली। कुलदीप शर्मा ने अभय चौटाला पर विवादित टिप्पणी दी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ आज सदन के दौरान हुआ। ये कुछ मसले हैं जो काफी ज्यादा हंगामेदार रहे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे जहां पर हंगामा नेताओं की तरफ से देखने को मिला। अभय चौटाला ने सदन में सुरक्षा गार्डों को बुलाया और इसके बाद इनेलो और कांग्रेस के जो विधायक हैं आपस में उलझते हुए नजर आए। तो सदन में क्या कुछ चल रहा है उसकी ताजा अपडेट्स हमने आपको दी। इसके बाद भी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।